ठीक होंगे। तो आज हमारा सिस्टर का मेरी का दूसरा दिन है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला ब्लॉग भी हमारा पसंद आया होगा, क्योंकि हमने सरसों का साग, मक्के की रोटी, मसर चावल बहुत इंजॉय किया और साथ में गुड़ वाले चावल खाए हैं। और आज जो हमारा ब्लॉग है दूसरे दिन का, मेरे सिस्टर ने कहा है कि मैंने सिंधी बिरयानी खानी है कलरों वाली, तो हम लोगों ने वो बनानी है उसके लिए। और दूसरा उसको आलू मोगरे भी बहुत पसंद है। खैर मुझे तो इतने नहीं आलू मोगरे पसंद, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। तो हम लोगों को उसके लिए, आपको पता है कि ज़्यादा चीज़ बनेगी और हमारा किचन छोटा है, सिस्टर के रूम में भी बना सकते हैं, फिर ऊपर नीचे आने से मैंने कहा ऊपर सेल में बनाते हैं, इंजॉय भी करेंगे और मज़ा भी आएगा, खाना भी बताएंगे और आपसे रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जाके आपसे मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, मेरे घर की सिस्टर आई है तो बिरयानी और हम लोग आलू मोगरे बना रहे हैं। तो आलू मोगरे भी वो पसंद है, उसके लिए थोड़े से आलू मोगरे बनाए और हम लोग बना रहे हैं कलरों वाली सिंधी बिरयानी। तो मैंने आपको बताया नीचे, अब क्योंकि मम्मी ऊपर नीचे तो हमारा किचन छोटा है तो इसलिए हम लोग सेल में बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारा सारा सामान जो हम प्रेशर कुकर में डालना है, और आपको दिखाते हैं अपना क्या हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर, साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे। ये वाकई इधर करो इसको, ये सबसे पहले हम प्याज से ऐड करते हैं। प्याज, चार बड़े प्याज है हमारे, और चार बड़े प्याज डाले हमने इसके। और ये टमाटर है, आठ है हमारे टमाटर, चार प्याज डाले हैं, बड़े प्याज डाले हैं, आठ टमाटर डाले हैं। आपको पता बिरयानी में जब टमाटर ना हो या दही ना हो तो मज़ा नहीं आता। और ये इसमें मैंने क्या नाम लेते हैं, चार लाल मिर्च के चम्मच हैं, दो नमक के हैं, हंसवे जायका नमक अपने हिसाब से डालें, दो दादर मिर्च के हैं, थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया दो चम्मच, और ये देखिए खड़े मसाले, खड़े मसाले ना हो तो बिरयानी की मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। और ये सारे मसाले भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, दो से तीन चम्मच, दो से तीन चम्मच बड़े वाले, ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे ये गोश्त, हम लोग बाद चिकन हम लोग बाद में ऐड करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये हमारा डेढ़ किलो चिकन है, दो किलो की हम लोग बिरयानी बना रहे हैं, दो किलो की आलू बाहर है, और इमली है, और ये हमारे घर के मसाले हैं, इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये घर के मसाले हैं, इसके दही में ऐड हो गए, फिर इसमें जाएंगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा लग रहा पूदना, ये भी आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है। अब हम पहले इसको सीटी लगाने लगे हैं प्रेशर को, प्रेशर को जब मसाला गल जाएगा फिर हम लोग गोश्त डाल के, और कलर वाले चावल आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे चावल बनाते हैं, आज बड़ी सिंधी बिरयानी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, साथ में हमारे बन रहे हैं आलू मोगरे, ठीक है, और साथ ही हमने बिरयानी के मसाले को सीटी लगा दी है। आज और कल हमें छत पे बनाने का बड़ा मज़ा आ रहा है सेम में, तो हम लोग बिरयानी जैसे बताइए, देखिए हमारा पानी प्रेशर खोल दिया, देखिए कितनी अच्छे मसालों की खुशबू आ रही है। और ये हम लोग अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे, अब इसकी भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट। तो ये देखिए साथ साथ हमने पानी रखा हुआ चावलों का, वाइट चावलों का, ये चार हमने गिलास जो है ना वाइट चावलों के, इसके ऐड करने, आगे आपको बताते जाते हैं। तो हम लोगों का गोश्त भी बनाई हो रही है, और पानी चावलों का, वाइट चावलों का भी रखा हुआ था, उसके साथ साथ मैंने कहा ये चटनी बनाने, गर्मियों में आपको पता है चटनी थोड़ी सी मेदे के लिए हाजमे के लिए अच्छी होती है, उसमें ये मैंने डाल देंगे थोड़ा सा अनारदाना ना, हरी मिर्च, एक धनिए की गट्ठी, दो पौधे की, और ये थोड़ा सा लहसुन पत्ता का पेस्ट, दादर मिर्च, लाल मिर्च एक चम्मच है, और थोड़ा सा नमक है, हंसबे जायका अपने हिसाब से डाल। मौसम चेंज हो गया ना, तो इसलिए तो हम लोगों ने कहा थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी रखेंगे मैदे के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो मैंने कहा साथ साथ इस चीज़ों को भी बना के हम लोग मतलब सेव कर दें, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रिज में से एक चम्मच निकालेंगे और किसी भी सालन के साथ दाल के साथ खा लेंगे, मज़े की चटनी, हमें तो ये चटनी लगती है, तो इसी मैंने कहा ये भी आपके साथ और आपको दिखाएँ हम लोग कैसे चटनी खाते हैं। हम ये भी बना रहे हैं साथ साथ, हमारी गोश्त भी बनाई हो रही है, हमारे चावल भी तैयार हो रहे हैं। हमने घर का मसाला बताया था वो दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और देखिए चावल भी हमारे कितने अच्छे से उबाइल हो गए माशाल्लाह से, तड़के वाले चावल हमारे डेढ़ गिलास बन रहा है, और उसी के साथ हम लोग ये घी ऐड कर रहे हैं, ये एक चम्मच भर के, और ये दो चम्मच हमारा केवल एक किलो घी है, लेकिन ये बड़ा चम्मच है, ये आप देखिए अपने हिसाब से घी ऐड करें, हमारे तो माशाल्लाह से 2 किलो चावल और 1.5 किलो गोश्त है माशाल्लाह से, इसलिए हम लोगों ने
ये आप देख सकते हैं तीन बार के करीब हम लोगों ने ऑयल डाला, घी डाला है। आप अपने हिसाब से डालें, ऑयल डालना, ऑयल डालें, घी डालना, घी डालें, हमें घी पसंद है, हमने इसलिए घी को ऐड किया। और ये साथ साथ तड़के वाले चावल डेढ़ गिलास हमारा हो गया तैयार। देखिए हमारा कितना प्यारा सा चिकन तैयार हो गया, ये देखिए कड़ी आ गई है। और उसके बाद ये आलू भाड़े की और इमली का पानी और आलू भाड़े का ये पानी और इमली थोड़ी ऐड की है हमने इसके अंदर। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है ना माफिया जी, जी प्यारा आया हुआ है कलर। तो ये आप देख सकते हैं ये साथ में हमारे वाइट चावल तैयार हुए हैं। और वो देखें कलर्स में हमारे तड़के वाले चावल तैयार हो रहे हैं। अब हम इसको उतार देंगे और ज़्यादा कलर वाले चावल बनाएँ। तड़के वाले चावल और ये हमारे जरदा कलर वाले चावल जो हमने बताया, और ये हमारे वाइट चावल, और ये जो है हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसकी तय लगाने लगे हैं और आपको दिखाते हैं। रोजाना मुझे दिखाओ पतीला, बड़ी मेहनत किया आज हम लोगों ने आपके लिए। इस एक मिनट इसको ये रख लूँ, फिर वाइट चावल भी। ये जाना पकड़ो बेटा, ये देखिए हम लोग थोड़ा सा इसका ऑयल निकालेंगे मसाले का। और ये देखिए मसाले का जैसे ही ऑयल हम थोड़ा सा लगा रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं हमारे। और ये देखिए थोड़ा सा लगा दे मसाला, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। बिस्मिल्लाह, हम लोग मसाला लगा रहे हैं, देखिए मसाला डाल रहे हैं। अब वो मुझे दिखाओ जरा कलर वाले थोड़े से चावल, उसकी भी थोड़ी सी तेल लगा दें, उसके बाद वाइट लगा लें। पूदना भी दो ना थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा पूदना ऐड कर दें, वो पीछे पड़ा हुआ है बेटा। वही चम्मच दे दो मुझे, वाइट वाइट चम्मच। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग, मैं तो सोच रही थोड़े से वाइट चावल फिर डाल दूँ, वाइट चावल हमारे ज़्यादा है, थोड़े से वाइट चावल डालते हैं फिर आपको दिखा। बस अब इसको डालते हैं तड़के वाले चावल, पहले थोड़ा सा चिकन डाल लेते हैं फिर तड़के वाले चावल डालते हैं। कितनी प्यारी स्मेल आ रही है जी, मैंने इतनी मेहनत की है तो स्मेल तो अच्छी आएगी ना, खुशबू अच्छी आती है माशाल्लाह से जी। आप ही के खानों में अलग सा ही टेस्ट है, इतनी मेहनत की है मैंने माशाल्लाह। फैला दें इसको, ये तो सारी डाल देते हैं ना इसमें। मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, वो दो थोड़ा सा ना दो सारा, ये अब इसमें ऐड कर देते हैं ना, ये जी इसकी स्मेल अच्छी लगेगी ना। ये सारे इसमें ऐड करेंगे चावल, सारे चावल हमारे ये भी सारे मसाले इसमें ऐड करते हैं। सेंटर में मैंने लगाया है और मैंने कहा थोड़ा सा साइडों पे लगा दो, सेंटर पे ज़्यादा हो गया था इसलिए फिर मैंने कहा आज मैं पागल हो गई, मैंने इतनी मेहनत की है इसलिए। कलर
ऐसे ही आप लोग अच्छे अच्छे खाने बनाया करें और हमें भी दिखाया करें और हमें बताया करें कमेंट करके कि आपको कैसी हमारी रेसिपी लगी है। ट्राई किया करें हमारी इस रेसिपी को ताकि आपको पता चले। अब हम इसको दम पे लगा देंगे जर्दा कलर डाल के, फिर आपसे मिलते हैं। जी ये देखिए हमारी बिरयानी अच्छी सी प्यारी सी कलर वाली जर्दा कलर वाली बिरयानी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी हमारी तैयार। आप इसे डिश में डालो, डालते एक साइड चेंज करके तुमको दिखा दे कि इसका कैसा लुक आया। माशाल्लाह आप ही मुझे जल्दी से दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। चलिए हम लोग दस्तरखान लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं पूरा दस्तरखान लगा के कि हमने कितनी अच्छी सी बिरयानी बनाई है। आप नज़र तो आ ही रहा होगा। ये देखिए अलग अलग हमारे चावल हैं, कोई भी चीज़। ये देखिए जुड़ी नहीं माशाल्लाह से आपकी ने बनाए हैं मैंने चावल। आप ही आप बताओ मैंने कैसे बनाया है। बहुत मज़ा गया मेरे हाथ में टेस्ट आया ना जी। बहुत बिरयानी भी तैयार हो गई है। और ये देखिए आलू मूंगरे, और ये हमारा दही, और ये हमारे नान, और ये हमारे पानी। आज हम लोगों की पार्टी हो रही है क्योंकि कल से सिस्टर आई हुई है, बच्चे आए हैं। और ये जो बिजी इंसान है ना, कितने दिन हो गए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में भी नहीं आ रहे, उनकी रात की ड्यूटी है, वो ये इंसान है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज सिस्टर ने मतलब हमें पार्टी दी है बिरयानी की, तो आज खाकर चेक करते हैं कैसी बनी। तो ये भी तो बताओ ना कि अपने जॉब के बारे में बताओ कि मैं आता हूँ सुबह में 6 बजे। नाइट शिफ्ट है ना मेरी बेसिकली, तो फिर सुबह मैं कितना कहती कि भाई मेरे साथ एक दो ब्लॉकों में आ जाओ, मैं आपके लिए सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, लेकिन भाई आते ही नहीं। अलीशान आप बताओ कैसी बिरयानी बनी। अलीशान कह रहा था, मैंने इसलिए पूछा है। अलीशान बताओ। चिकन भी डाल के दिया, कह रहा मुझे मैं चिकन ही बनाती हूँ जब आप आते हो। जब जितनी देर हम भी आते आ जाते हैं। वाह जी वाह, मानो इसको तो आप जानते हैं। मानो सलाम करो। सलाम अलैकुम। और यही नाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको कल से आज का दिन हमारा सारा। वाह, दिल करता है मौसीमा के बाद बार बार आने को। थैंक यू यार। इसको इनको स्कूल से छुट्टी हुई थी, इनके पेपर खत्म हुए हैं, तो फिर इनको 2-3 छुट्टियाँ थी, तो मैंने कहा इनकी फेवरेट जो डिश है वो बनाए, तो खाने खा के बाद। खाया है, पिया, इंजॉय किया। और आज जो सिस्टर आई हुई थी उनके बच्चे, इन सिस्टर्स के बच्चे जो है ना ज़्यादा हमारे से लगाव करते हैं क्योंकि रिश्ता दो पढ़ते हैं। पप्पो का बेटा भी है और बहन है, दोनों रिश्ते ही अपने बनोई भी है और पप्पो का बेटा भी है, तो इन लोगों से ज़्यादा लगाव है। बड़ी सिस्टर के भी बच्चे हैं, जाहिर की बात है बहनों के बच्चे सबको प्यारे होते हैं, चाहे बड़ी की हो चाहे छोटी की। इसका ज़रा दो जगह से रिश्ता है, तो इससे हमारा ज़्यादा प्यार है। तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई से नई वीडियो का मेरा इंतजार करें। आज की वीडियो यहाँ तो अल्लाह हाफिज़।